भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जिले भर में सभी उपखंड कार्यालय पर व शहरी क्षेत्र में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली ने बताया कि भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदेश भाजपा संगठन के आह्वान पर मंगलवार को भीलवाड़ा जिले के सभी उपखंड कार्यालयों पर बढ़े हुए बिजली के बिलों, किसानों के विभिन्न समस्याओं, टिड्डियों के हमले से हुए नुकसान का मुआवजा, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों का कर्जा माफी सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी व जिला कलेक्टर के नाम को ज्ञापन दिया। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा संगठन के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले के सभी उपखंड कार्यालय पर विधायक, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल में निवास करने वाले प्रदेश पदाधिकारी, चेयरमैन एवं प्रधान, वरिष्ठ नेता कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए ज्ञापन दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली, शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, पूर्व सभापति मंजू चेचाणी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अनमोल पाराशर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा जो जन विरोधी निर्णय लिए गए हैं पिछले 20 माह में, जिस तरह से किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, और गौशालाओं के नाम पर जो 5% स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई थी और जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे को अन्य मद में खर्च कर दिया गया है। आज गायों की हालत बहुत ख़राब है, और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई थी और अपने जन घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि सरकार आएगी तो बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिजली की दरें लगातार बढ़ रही है, चाहे फ्यूल चार्ज के नाम पर हो, चाहे स्थायी शुल्क के नाम पर हो, चाहे अन्य चार्जों के नाम पर हो। आज भीलवाड़ा हो चाहे कहीं पर भी हो, आज बिजली के तारों में मौत झूम रही है और मौत घूम रही है। आज कई घरों के ऊपर बिजली के तार गुजर रहे हैं और गलियों के अंदर जो तार बड़ी बड़ी लाइनें गुजर रही है उससे मौतें हो रही है, लेकिन सरकार का केवल एकमात्र काम बच गया है पैसा वसूल करना, पेनल्टी लगाना और दरें बढ़ाना। और मैं सोचता हूं कि सरकार ने अधिकारियों को एक लूट की छूट दे दी है, इससे आम जनता परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो आह्वान किया है उसके तहत आज उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया है।